न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए 15 मेंबर्स वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इनके अलावा 4 ट्रैवलिंग रिजर्व भी टीम में रखे गए हैं। जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कोई उपकप्तान नहीं चुना गया था। माना जा रहा है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा के बाद बुमराह में टेस्ट टीम का फ्यूचर कप्तान देख रही है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं, उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। शमी टखने की चोट से उभर रहे हैं, जिसके लिए इस साल की शुरुआत में उनकी सर्जरी हुई थी। वे चोट की वजह से 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से मैदान से बाहर हैं। लेफ्ट आर्म पेसर यश दयाल चोटिल होने की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। वे बांग्लादेश सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में थे।